शहर के व्यस्त क्षेत्र पीलीकोटी से फव्वारा तिराहा मार्ग पर कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार से उठती लपटे देख आसपास के लोग सतर्क हो गए तथा यातायात को रोक दिया। सीआरपीएफ के जवान की कार में लगी आग पर अग्निशमन विभाग की टीम ने काबू पाया है। इस दौरान लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। अगवानपुर निवासी अंकुश सीआरपीएफ में सिपाही है। शुक्रवार दोपहर वे अपनी कार से जा रहा था। बताते हैं कि आवास विकास मार्केट के सामने कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। अंकुश ने कार रोकी और बाहर आया, तब तक आग भड़क गई। तेज लपटे निकलने पर आसपास के लोग सहम गए। यातायात को रोकने के साथ दमकल को सूचना दी गई। दमकल की टीम ने पानी के बौछार से आग पर काबू पाया। कार की सीटें और इंटीरियर स्वाह हो गए। आग लगने के कारण का पता नहीं चला है। अंकुश का कहना है कि कार पेट्रोल से चलती है, वे भी आग लगने से हैरान हैं और परेशान दिखाई दिया। गौरतलब है कि कार में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो चिंता का विषय है। आज अभी कुछ समय पहले 12:12 पर हमारे पुलिस कंट्रोल रूम से आरटी सेट के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी में आग लगी है और पीलीकोठी चौराहे पर आग की घटनास्थल है। उस सूचना पर तत्काल हमारी फायर सर्विस टीम ने घटनास्थल के लिए रवाना हुई। FSO साहब भी, शत्रुघ्न सिंह साहब भी तत्काल रवाना हुए। जाकर के देखा कि एक मारुति 60A गाड़ी थी, उसमें काफ़ी आग लगी थी। हमारी टीम ने बड़ी तत्परता से पहुंचकर उक्त आग पर काबू पाया तथा आग बुझ जाने पर पाया कि उसमें 3 व्यक्ति थे, जिसमें से जो चालक थे वो किसी काम से गाड़ी खड़ी करके गए थे। गाड़ी खड़ी करने के कुछ ही समय बाद उसमें अचानक आग लगी और हमारी टीम ने तत्काल आग को पहुँच करके बुझाया। आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि गर्मी का टाइम है, जो पेट्रोल की गाड़ी है या CNG की गाड़ी है, उसमें विशेषकर जो वाहन चालक हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो टेम्परेचर है वो हीट तो नहीं है, और अगर हीट होता है तो गाड़ियों को रोक करके उसको कूल कर लेना चाहिए, जिससे कि ऐसी अग्नि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।